आम्ही शिवाचे सैनिक वेडे करू जीवाचे रा अरे भगवे रहवासी है, काफी वर्षों से उनका मांग था कि जो सिविल लाइन है इसका मरम्मत हो, और आज जो कार्य आपने प्रारंभ किया है, सभी लोग राजस्थानी रहवासी है आपके कार्य का प्रशंसा कर रहे हैं, क्या बोलना चाहोगे इस विषय पर आप? सबसे पहले तो मैं ये जो टाइटैनिक बिल्डिंग है ये दो बिल्डिंग्स है और इसमें दो बिल्डिंग में चार चार विंग्स है, मगर इनको 10 साल से सीवरेज लाइन नहीं थी, कुछ टेक्निकल इश्यूज थे, मगर अभी लोगों का भी बहुत प्रस्ताव था कि ये सीवरेज लाइन होना चाहिए और लोगों ने भी बहुत सपोर्ट किया है और ये 10 साल के बाद ये सीवरेज लाइन का काम अब चालू होने जा रहा है। और मैम काफी स्थानीय रहवासी काफी आपके कार्य से बहुत ही प्रेरित है और गौरव कर रहे हैं आपके कार्य का, तमाम जगह रहवासी है, क्या संदेश है आपका उनके लिए? मेरा उनका उनको इतना ही संदेश है कि आज मतलब जब से मैं चुन के आई हूँ 2017 से, तब से ये बिल्डिंग का तो ये पूरा जो स्लम है यहाँ से पूरा नाला साइड महाराष्ट्र नगर, ये पूरे लोगों ने बहुत सारा प्यार दिया है, मुझे दिया है, मेरे पार्टी को दिया है, मेरे पार्टी के लोगों को दिया है, ऐसा ही जो प्यार हमको दे रहे वैसा हर टाइम देते रहे, यही विनती है उन सबसे। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। शिवसेना शाखा क्रमांक 93 मैं प्रभाग क्रमांक 93 नगरसेविका रोहिणी कांबळे भक्तीताई आहे, भगनसाळवी शाखा भोग आहे, वसुधाताई आहे, आणि येथील जे सगळे ह्या टॅनिकमध्ये राहणारे महाराष्ट्र नगर आंबेडकर नगर राहणारे सर रहिवासी, बऱ्याच वर्षापासून या ठिकाणी सिवरेज लाईन नव्हती, आता ज्यावेळेस आम्ही आलो त्या आम्हाला वस्तुस्थिती काय ती कळली खरोखरच, आणि हे लाईन जे टाकतो सिवरेज लाईन याचा उपयोग काय होणार हे देखील आता लक्षात आपल्या आलं, कारण एवढे वर्ष या नाल्यामध्ये सोडलं होता, हे सुद्धा खूप घातकच आहे, परंतु उशिरा का होईना या लोकांना न्याय मिळतो आहे, आज ना उद्या फार होणं गरजेचं होतं, आणि शिवरेजचं काम जे नव्यानं चालू आहे या शिवरेजला आता ही लाईन कनेक्ट होणार आहे, हे खरोखर रोहिणी कांबळे आमच्या स्थानिक नगरसेवक आहेत, त्यांनी जे प्रयत्न करून हे जे लाईन या ठिकाणी टाकतायत त्याबद्दल मी त्यांचा आभार मानेन, आणि रहिवाशांना एवढीच विनंती करेन की आपण सगळ्यांनी एकत्र येऊन हे काम कसं चांगलं होईल, त्या कामाचा दर्जा कसा चांगला असेल यासाठी आपण सगळ्यांनी प्रयत्न करायचं, काम व्यवस्थित करून घ्या, माझ्या मनापासून या विभागातील सर्व स्थानिक रहिवाशांना शुभेच्छा आहेत, आणि या फंडात काम करणाऱ्या आमच्या नगरसेविका रोहिणी कांबळे यांचा देखील मी आभार मानतो या विभागातील जनतेच्या वतीनं, धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। देखिए 10 साल हो गए हमारी बिल्डिंग को, लेकिन सीवरेज लाइन नहीं थी, लोगों को बहुत परेशानी हो रही थी, लेकिन सीवरेज लाइन बीएमसी का था ही नहीं यहाँ पे, और इसके ड्रेनेज के नाले में छोड़ा हुआ था, जिसके लिए बहुत बड़ी बीमारियाँ फैलती थी, गंदगी फैलती थी, बहुत प्रयास किया, और आज तमाम हमारे शाखा प्रमुख है और हमारी नगर सेविका है और हमारे बीएमसी के ऑफिसर्स है और सभी की भागदौड़ है, लेकिन ख़ास तौर से अथक प्रयास जो हमारी नगर सेविका मैडम ने किया है उसके लिए हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं सभी दोनों बिल्डिंग के रहवासियों की तरफ से, और ये बहुत ही अच्छा और बहुत ही बड़ा काम होने जा रहा है, और 10 साल से हम लोग भागदौड़ कर रहे थे लेकिन नहीं हो पा रहा था, लेकिन आज इनके हाथ से जो हो रहा है बहुत ही बढ़िया है, और हम बहुत बहुत धन्यवाद बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं इनका, और आगे भी हम चाहते हैं ऐसी हमारे को मदद मिलती रहे, रोड का काम भी बहुत अच्छा हो रहा है, नाले का काम भी बहुत अच्छा हो रहा है, और हमारा काम भी हो जाएगा, बहुत बढ़िया है, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभारी है। नमस्कार, हमें टाइटैनिक रहिवासी मन बोलते जे 10 वर्षात काम धंदा एका महिलेने केलेला आहे, त्यावर महिला शक्तीचा आम्हाला अभिमान आहे, आणि रोहिणी कांबळे असं सहकार्य करा अशी विनंती आहे। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।